कोरोना वायरस के इस दौर में जब समूह डॉक्टरी अमला ते सेहत विभाग का होर स्टाफ अपनियां जानां जोखम विच पा के कोरोना मरीजों के इलाज में जी जान नाल लगे हुए ने उत्थे कई तरह दीआं गुमराहकुन खबरां सोशल मीडिया से वायरल हो रही ने। पंजाब सरकार वालों इन्हां खबरों का पुरजोर खंडन किया जा रहा है। पिछे जहे सोशल मीडिया से कोरोना लई सैंपलिंग टेस्टिंग तो इलावा आइसोलेशन सेंटरां विच दाखल कोविड मरीजों के अंगों नूं चोरी किए जाण बारे खबरां वायरल हुई जिस नाल लोगों विच डर दा माहौल पैदा हो गया। सेहत विभाग वालों इन्हां खबरों का जोरदार खंडन करदिआं लोगों नूं गुमराहकुन प्रचार तो बचण की अपील की जा रही है। मोहाली जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह ने सेहत विभाग के अक्स नूं खराब करन वाले समाज विरोधी अंसरां विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करन की चेतावनी दित्ती। उन्होंने कहा कि डॉक्टरां ते सेहत कर्मियां ने कोरोना मरीजों के इलाज में बहुत वधिया काम किया है। डॉक्टर मनजीत सिंह ने कहा कि लोगों ने इन अफवाहों पर यकीन ना करन क्योंकि मनुखी अंग बदलना एक पेचीदा प्रक्रिया है जिस वास्ते बकायदा दिशा निर्देश और नियम बने हुए हैं। सैंपलिंग बारे वायरल हुई खबरों से बोलदिया उन्होंने कहा कि कोविड लई बेतरतीब सैंपलिंग टेस्ट का मकसद इस बीमारी का छेती पता लगाना है तो समय रेंदे कीमती जाना बचाई जा सकन इस महामारी को अगों फैलन तो रोकया जा सके। अज करोना बीमारी बारे सोशल मीडिया में फैलाईया जा रही झूठिया बेबुनियाद अफवाह भुलेखिया बारे आप सब नाल विचार करना चाहता हाँ। इस बीमारी बारे कुछ समाज विरोधी शरारती अंसर ने ऑडियो वीडियो ते होर पोस्टर राही सोशल मीडिया ते प्रचार करके जनता नूं गुमराह करन दी कोशिश कीती है। इह जी एक जिहड़ी ऑडियो है साडे मोहाली दे सिविल हस्पताल दी भी उन्होंने पोस्ट कीती है। इन्हां बारे मैं इह दसना चाहुंदा कि इह चीज़ां जिहड़ियां ने इह साडे समाज लई बहुत नुकसानदायक ही नहीं सगों साडे लई जानलेवा भी बन सकदियां ने। जिस तरीके नाल कहा गया कि असीं सैंपलिंग करदे हाँ सैंपलिंग दा भाव मतलब ही यह है कि असी इसलिए सैंपलिंग करते हैं ताकि अर्ली स्टेज पर जी है कोरोना की बीमारी पकड़िया जा सके।